हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की फर्स्ट क्लास में पढ़ा था ऑटोमोबाइल इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल की हिस्ट्री की स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। अब जो हम नेक्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास आता है उसमें हम पढ़ेंगे इंजन कंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंक केस, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, फ्लाई व्हील, डैम्पर और वाल्व के बारे में। इस इंजन कंस्ट्रक्शन की जो क्लास होती है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट में पार्ट सिलेंडर हेड, क्रैंक केस, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के बारे में, और अदर बचे हुए पांच पार्ट वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो हम इंजन कंस्ट्रक्शन की फर्स्ट क्लास बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं सिलेंडर ब्लॉक से। सिलेंडर ब्लॉक होता क्या है? सिलेंडर ब्लॉक ग्रे कास्ट आयरन का बना हुआ एक ब्लॉक होता है, जिसके अंतर्गत आते हैं सिलेंडर, पोर्ट्स एंड ओपनिंग और पैसेज। जो हमारा सिलेंडर होता है जिसमें हमारा पिस्टन, जो हमारा पिस्टन होता है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। जो हमारे पार्ट्स एंड ओपनिंग्स होते हैं वो वाल्व फिटमेंट के लिए बनाए जाते हैं, और जो सिलेंडर ब्लॉक में पैसेज होते हैं वो कूलिंग के लिए बनाई जाती हैं। यदि वो सिंगल सिलेंडर है तो उसमें फिन्स लगे होते हैं जो कूलिंग के लिए, जो एयर कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिलेंडर ब्लॉक को हम अंदर से मिरर फिनिशिंग करते हैं ग्राइंडिंग या हॉर्निंग प्रोसेस के द्वारा। इस सिलेंडर ब्लॉक से अन्य कंपोनेंट भी जुड़े होते हैं, जैसे हमारा हुआ वाटर पंप, फ्यूल पंप, फ्लाई व्हील, सम और लाइनर। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सिलेंडर हेड की। तो जो हमारा सिलेंडर हेड होता है वो सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर फिट किया जाता है। ये भी ग्रे कास्ट आयरन का बनाया जाता है या फिर एल्युमिनियम अलॉय का बनाया जाता है। सिलेंडर हेड पर ही हमारा इंजेक्टर या फिर पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग फिट होते हैं, और इस पर ही हमारे फिट होते हैं इनलेट और आउटलेट वाल्व। सिलेंडर हेड को सिलेंडर ब्लॉक से हम एक गैस्केट के द्वारा जोड़ते हैं, ताकि जो हमारे कंबस्टन गैस होते हैं वो बाहर लीकेज ना हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्रैंक केस। क्रैंक केस भी ग्रे कास्ट आयरन या एल्युमिनियम अलॉय का बनाया जाता है। क्रैंक केस का जो लोअर पोर्शन होता है उसमें हम इंजन ऑयल या फिर लुब्रिकेशन ऑयल रखते हैं। जो इसका निचला पोर्शन होता है उसको ऑयल पैन या सम्प बोलते हैं, जिसमें हम लुब्रिकेशन ऑयल रखते हैं। यह क्रैंक शाफ्ट या कैम शाफ्ट के लिए हाउसिंग की तरह काम करता है। पॉइंट की बात करें, पिस्टन। पिस्टन क्या होता है? पिस्टन जो सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, जिस पर हमारे चार्ज की केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और पिस्टन पर ही हमें चार स्ट्रोक प्राप्त होते हैं, जो क्रमशः सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होते हैं। पिस्टन भी कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम अलॉय के बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम अलॉय के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये लेस वेट के साथ साथ काफ़ी स्ट्रांग भी होते हैं, और इनकी हीट कंडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जो हाई कंप्रेशन पर कम डिटोनेशन करते हैं या डिटोनेशन को डिक्रीज करते हैं। पिस्टन से जुड़ी हुई एक टर्म आता है पिस्टन क्लियरेंस। पिस्टन क्लियरेंस क्या होता है? सिलेंडर ब्लॉक की इनर डाया और पिस्टन की आउटर डाया के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, जिसको हम बोलते हैं पिस्टन क्लियरेंस। ये इसलिए छोड़ते हैं ताकि जो पिस्टन सिलेंडर में आसानी से फिट हो सके और इनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो लेस हो, तथा कूलिंग भी काफ़ी अच्छी तरह हो सके। ये क्लियरेंस जो होता है 0.025 mm से 100 mm तक होता है। नेक्स्ट टर्म आता है पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग जो होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है, जो पिस्टन के सर्कमफ्रेंस पर फिट किए जाते हैं। जो हमारे पिस्टन रिंग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक कंप्रेशन रिंग होता है और दूसरा ऑयल रिंग होता है। जो कंप्रेशन रिंग होता है वो कंबस्टन प्रेशर को सील करने का काम करता है, ताकि कंबस्टन गैस क्रैंक केस में ना प्रवेश कर सके। और जो हमारा ऑयल रिंग होता है वो लुब्रिकेशन ऑयल फ्लो को कंट्रोल करता है, ताकि सैम्प से
आयल कंबस्टन चैम्बर में ना प्रवेश करे। पिस्टन रिंग को पिस्टन पर फिट करने के लिए रिंग एक्सपेंडर टूल का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो होता है पिस्टन पिन। एक्चुअली पिस्टन पिन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि उसके नाम पूछ लिए जाते हैं, तो रिस्ट पिन या फिर गजियन पिन इसको बोलते हैं, या एक हालो स्टील का बनाया जाता है जो कि हार्डनिंग के द्वारा बनाया जाता है ताकि इसका जो वियर रेसिस्टेंस हो काफ़ी कम हो। ये पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड से जोड़कर रखता है। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट आता है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड क्या होता है? कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है। पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को सर्कुलर मोशन में करने में मदद करता है। यह फोर्ज स्टील के द्वारा बनाया जाता है और इसकी ही मदद से हम लीनियर मोशन या फिर रेसिप्रोकेटिंग मोशन को सर्कुलर मोशन में प्राप्त करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिमेन पांचों पॉइंट को, जो क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, फ्लाई व्हील, वाइब्रेशन डैम्पर और वाल्व मैकेनिज्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।